जीवन के रेगिस्तान में सुकून की एक एक बूंद के लिए तरसते मन को अपने स्नेह और ममता से भिगोने वाली शक्ति है माँ काली। दुर्गम रास्तों में, घोर अंधेरे में रोशनी की किरण बन बेसहारों को रास्ता दिखाने वाली, सहारा देने वाली शक्ति है माँ काली। असह्य पीड़ा और कठिन बंधनों को काट मोक्ष प्रदान करने वाली ऊर्जा है माँ काली। एक ऐसा विराट स्वरूप जो संपूर्ण ब्रह्मांड में कण कण में व्याप्त है, बस जरूरत है उस आद्य शक्ति को पुकारने की, हाथ बढ़ाने की। आपकी पुकार कभी भी अनसुनी नहीं होगी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी पर माँ का आशीर्वाद और बजरंगबली की कृपा सदैव बनी रहे। भगवती काली का आशीर्वाद, उनकी प्रसन्नता उनके भक्तों के लिए अमूल्य निधि है। महिषासुरमर्दिनी, चंडमुंड विनाशिनी और शुंभ निशुंभ का संहार करने वाली माँ काली सभी व्यक्तियों को अभय जीवन और मोक्ष प्रदान करती है। कलयति भक्षयति प्रलय काले सर्वम इति काली, अर्थात जो प्रलय काल में संपूर्ण सृष्टि को अपना ग्रास बना ले वो काली है। माँ की तो बात ही कुछ निराली है। अप्रिय लगने वाली चीजें भी माँ को प्रिय है। नरमुंड की माला देवी को प्रिय है, शमशान वासिनी है, शमशान उन्हें प्रिय है, अर्थात मृत्यु यानी शाश्वत सत्य को आत्मसात करने वाली माँ है। हर क्षण अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए तत्पर रहने वाली देवी है। कोई भी मृत्यु तुल्य कष्ट आपको हो, शत्रुओं से पीड़ित है, धन की तंगी है, कर्ज की समस्या ने आपकी कमर तोड़ दी है और आपके सारे उपाय निष्फल हो रहे हैं, शनि की साढ़े साथी ढैया या किसी भी प्रकार का ग्रहों का दुष्प्रभाव आपको विचलित कर रहा है, तो माँ काली का एक अचूक उपाय जो आज इस वीडियो में हम जानेंगे, इसे एक बार अवश्य करके देखें दोस्तों। पूरे विश्वास और समर्पण के साथ माँ तुरंत ही आपकी परेशानी का निवारण करेंगी। ये जो उपाय आज इस वीडियो में हम बात करेंगे, किसी भी स्थिति में खाली नहीं जाता, 100% आपको इसका रिजल्ट मिलता है। हाँ, आपका समर्पण माँ के प्रति अटूट होना चाहिए। तो आइए जानते हैं उपाय के बारे में। ये उपाय आपको शनिवार को करना है। बहुत ध्यान से सुने, कुछ भी आपको मिस नहीं करना है। इस उपाय के लिए आपको कुछ सामग्री चाहिए। इसे आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें ताकि बाद में किसी भी प्रकार की गलती आपसे ना हो। इसके लिए चाहिए आपको एक नारियल पानी वाला, लाल चुनरी, काले तिल चाहिए आपको 50 ग्राम, 7 जोड़े लौंग यानी कि 14 लौंग, 7 सुपारी, 7 कमलगट्टे, 1 मीठा पान और 1 अनार। इसके अलावा 1.25 मीटर काला कपड़ा भी आप लेके रखें। अब आपको करना क्या है कि शनिवार के दिन, किसी भी शनिवार से उपाय शुरू करें, तो शनिवार के दिन सुबह स्नान करके आपको स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं और माँ के जोत जलानी है। माँ का पंचोपचार पूजन करें, धूप दीप अक्षत नैवेद्य आदि माँ को अर्पित करें, पुष्प माँ को अर्पित करें। जो भाई बहन रोज की पूजा में घी की या तिल के तेल की जोत जलाते हैं, वो रोज की तरह ही घी या तिल के तेल की जोत जलाएं। इसके अलावा आपको माँ की एक जोत और जलानी है, 4 मुखी दीपक आपको जलाने हैं, आटे का होना चाहिए, सरसों के तेल में आपको ये दीपक जलाना है और इसको माँ काली के निमित्त आपको समर्पित करना है। यानी कि अलग से 4 मुखी दीपक, आटे का, सरसों के तेल में माँ के निमित्त आपको प्रज्वलित करना है। फिर नित्य की पूजा आपको करनी है। जो भी पाठ, जो भी मंत्र साधना आप कर रहे हैं वो करें। माँ के जिन मंत्रों का आप जाप कर रहे हैं वो सब आप कर लें। उसके बाद ये जो भी सामग्री है इसको आप काले कपड़े में बांध लें। कपड़े में बांधते समय आपको ओम क्रीम कालिकाय नमः इस मंत्र का लगातार मानसिक जप करना है। और जो भी मनोकामना के लिए आप ये प्रयोग कर रहे हैं, जिस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आप प्रयोग कर रहे हैं, वो प्रॉब्लम माँ को बताएं, मनोकामना जो है वो माँ को बताएं और माँ से अपनी समस्या के निवारण के लिए प्रार्थना करें। साथ ही किसी भी प्रकार की भूल चूक के लिए माँ से क्षमा याचना अवश्य करें। इसके बाद आपको ये सामग्री माँ काली के मंदिर में रख कर आनी है और ये उपाय आपको हर महीने किसी भी एक शनिवार को करना है और 3 महीने आपको ये उपाय लगातार करना है। यानी कि 3 महीने में 3 बार आपको ये उपाय करना है। बहुत जल्द इसका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। जो काले कपड़े में बंधी सामग्री है वो शनिवार को ही अर्पित करनी है। जो भाई बहन किसी भी कारणवश उस शनिवार माँ के मंदिर नहीं जा पाए तो वो अगले शनिवार ये सामग्री माँ के मंदिर में जाकर चढ़ा दें। तब तक सामग्री मंदिर में ही, जो आपका घर का मंदिर है वहीं एक स्थान पर रहने दें। जो भी आपके बिगड़े हुए कार्य हैं वो अवश्य बनेंगे। इस प्रयोग में जो 4 मुखी आटे का दीपक है सरसों के तेल का, वो आप अपने घर के मंदिर में भी माँ को अर्पित कर सकते हैं और आप चाहें तो माँ काली का जो मंदिर है बाहर, जो आपके शहर में या आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ मंदिर है, वहाँ जाकर भी अर्पित कर सकते हैं।
इस प्रयोग को करते समय और जब तक आप मंदिर जा रहे हैं तब तक लगातार माँ के मंत्र ओम क्रीम कालिकाय नमः इसका निरंतर मानसिक जप आप जितना ज्यादा करें उतना ही ज्यादा प्रभावशाली ये प्रयोग आपके लिए होगा। और वैसे भी दोस्तों अपनी नित्य की पूजा में माँ का जो मंत्र है ओम क्रीम कालिकाय नमः इसकी तीन माला तो माँ के हर भक्त को अवश्य ही रोज करनी चाहिए। आपको माँ का एहसास हमेशा होगा, स्वप्न में होगा, अपने कार्यों में सफलता के जरिए होगा और माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो में बहुत जल्द मिलती हूँ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें। जय माता दी, जय बजरंगबली।